नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज 18 मार्च, चलिए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। RPCAU पूसा ने निकाली रिक्तियां। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी पूसा ने सीनियर साइंटिस्ट, हेड सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट समेत अन्य पदों के लिए 143 पदों पर रिक्तियों की मांग की है। इन पदों के लिए अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास डॉक्टरल डिग्री इन रेलेवेंट सब्जेक्ट्स, मास्टर डिग्री इन रेलेवेंट सब्जेक्ट्स या PhD की डिग्री होना अनिवार्य होगा। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 17 अप्रैल तक आवेदन भर सकते हैं। साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जाकर ले सकते हैं। अब आइए जानते हैं बिहार की इस जानी मानी हस्ती के बारे में। आज हम बात करेंगे अभय कुमार की। अभय का जन्म बिहार के नालंदा जिले में हुआ था। अभय कुमार एक भारतीय कवि, राजनयिक और मेडागास्कर में भारत के 21वें राजदूत और कॉमोरोस के राजदूत हैं। उनके लेखन में कविता, कला, संस्मरण, वैश्विक लोकतंत्र शामिल है और उन्हें साल 2013 में पुष्कर पुरस्कार के लिए नामांकित भी किया गया था। DGP की जनता दरबार अब 31 मार्च तक स्थगित। देश के कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए अब बिहार के पुलिस विभाग ने भी अहम फैसला लिया है, जिसके तहत मुख्यालय ने निर्देश जारी करते हुए पुलिस महानिदेशक की तरफ से आयोजित हो रहे जनता दरबार को 31 मार्च तक स्थगित करने का निर्णय जारी किया है। वहीं बिहार के कुछ सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी भी ऑल्टरनेट कर दी गई है। बिहार के सभी लॉज और हॉस्टल हुए बंद। कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए बिहार सरकार ने अब पटना समेत सभी जिलों के हॉस्टल और लॉज को बंद करने का आदेश जारी किया है, जिसकी जानकारी शिक्षा विभाग ने खुद जारी की है। हालांकि बिहार में अभी तक एक भी कोरोना के पॉजिटिव लक्षण की पुष्टि नहीं हुई है, बावजूद इसके सरकार ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर ली है। कोरोना का असर नहीं दिखेगा मैट्रिक और इंटर के रिजल्ट पर। जहां एक तरफ कोरोना का असर हर तरफ देखने को मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ शिक्षा विभाग का यह दावा है कि कोरोना का असर मैट्रिक और इंटर की परीक्षाओं के परिणाम पर नहीं देखने को मिलेगा। बिहार बोर्ड के माने तो मैट्रिक और इंटर की परीक्षा का परिणाम निर्धारित समय पर ही जारी किया जाएगा। बिना एग्जाम दिए ही छात्रों का हो जाएगा प्रमोशन। CBSE में पढ़ रहे सभी छात्रों के लिए अहम सूचना। कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए सरकार के 31 मार्च तक स्कूल कॉलेज बंद करने के आदेश के बाद अब CBSE ने सभी छात्रों को बिना एग्जाम दिए ही अगले सेशन में भेजने का आदेश जारी किया है। ज्ञात हो CBSE का यह निर्णय केवल कक्षा 8वीं तक के छात्रों के लिए ही लिया गया है। मुजफ्फरपुर के चतुर्भुज स्थान मंदिर में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। 12वीं सदी के अपने इतिहास के साथ यह मंदिर लगभग 700 साल पुराना एवं इस जिले के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक है। यहाँ श्री हरि विष्णु की पूजा होती है एवं मंदिर में एक प्राचीन शिवलिंग के साथ परिसर में सूर्य, महावीर, भैरव और गणेश भगवान की प्रतिमाएं भी स्थापित है। यह मंदिर मुजफ्फरपुर के दर्शनीय स्थल में काफी प्रसिद्ध है। सिपाही बहाली की लिखित परीक्षा का रिजल्ट मई तक कर दिया जाएगा जारी। सिपाही बहाली की परीक्षा में सम्मिलित हुए सभी अभ्यर्थियों के लिए अहम सूचना। चयन परिषद की माने तो बिहार पुलिस में सिपाही बहाली के लिए ली गई लिखित परीक्षा के रिजल्ट का ऐलान मई महीने तक कर दिया जाएगा, जिसके बाद शारीरिक दक्षता की परीक्षा ली जाएगी। बिहार के इस इंजीनियर ने रोड एक्सप्रेस से कई लोगों को दिया रोजगार। बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे सभी युवाओं के लिए बिहार का युवा इंजीनियर अभिषेक कुमार मसीहा बनकर उतरा है। अभिषेक ने अब तक न सिर्फ अपने सपने पूरे किए हैं बल्कि 500 से ज्यादा बेरोजगारों को नौकरी दी है। अभिषेक ने अपने दोस्त के साथ मिलकर रोड एक्सप्रेस नामक कंपनी बनाकर अपने साथ साथ कई लोगों के हाथ में रोजगार की चाबी दी है। बिहार के दो IAS अधिकारियों का हुआ तबादला। बिहार सरकार ने बिहार के दो IAS अधिकारियों का एक बार फिर से तबादला कर दिया है, जिसकी जानकारी सामान्य विभाग ने अधिसूचना जारी करके दी है, जिसके तहत 1989 बैच के ब्रजेश मेहरोत्रा को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में, वहीं 1990 बैच के IAS चैतन्य प्रसाद को राज्यपाल सचिव के पद पर तबादले की अधिसूचना जारी कर दी गई है। बागवानी करने वाले किसानों को मिलेगी आर्थिक सहायता। बागवानी करने वाले किसानों को मिलेगी आर्थिक सहायता। बिहार में बागवानी करने वाले किसानों की मदद अब सरकार खुद करने वाली है, जिसके तहत सरकार किसानों को आर्थिक सहायता मुहैया करवाने की योजना पर काम कर रही है। खबरों की माने तो अब सरकार उन किसानों को 50% आर्थिक मदद मुहैया करवाएगी जो सब्जी उत्पादन या नया बगान लगाने का मन बना रहे हो। देश में कोरोना से अब तक 126 मामले, मगर बिहार सतर्कता के कारण अब भी है महफूज। देश में कोरोना से अब तक 126 मामलों की पुष्टि की जा चुकी है। केरल में भी अब कोरोना के 3 नए मामलों की पुष्टि की गई है। वहीं बिहार की बात करें तो अब तक यहां पर एक भी पॉजिटिव मामले की पुष्टि नहीं की गई है। बिहार सरकार की सतर्कता ने अब तक यहाँ के लोगों को बचा कर रखा हुआ है।
नगर निगम कर्मियों ने काम पर वापस जाने का किया फैसला। कोरोना के मामलों के बीच अब सरकार के लिए एक राहत वाली खबर आई है। बीते मंगलवार से नगर निगम कर्मियों के सड़कों पर उतरने वाले फैसलों को वापस ले लिया गया है। खबरों की माने तो नगर निगम के कर्मियों ने संयुक्त समन्वय समिति और नगर विकास एवं आवास विभाग के साथ की गई बातचीत के बाद यह फैसला लिया है। बिहार बोर्ड मैट्रिक की 8 लाख कॉपियों में से 2.5 लाख कॉपियों का हुआ मूल्यांकन। बिहार बोर्ड मैट्रिक के परीक्षार्थियों के अब तक 8 लाख कॉपियों में से केवल 2.5 लाख कॉपियों के मूल्यांकन का काम ही पूरा हो पाया है। खबरों की माने तो कॉपियों में मूल्यांकन की समस्या का मूल कारण शिक्षकों की अनुपस्थिति होना है। हालांकि बिहार बोर्ड अपनी तरफ से कॉपियों की पूरी जाँच की प्रक्रिया में पूर्ण रूप से लगा हुआ है। दिनेश चंद्र यादव ने तेजस्वी यादव पर कसा तंज। बिहार में कोरोना के रोकथाम की तैयारियां जोर शोर से हो रही है। इतना ही नहीं, कोरोना के नाम पर राजनीति भी तेज है। इसी क्रम में हाल ही में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कोरोना के नाम पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से उनका इस्तीफा मांगा था, जिसके जवाब में अब जदयू सांसद दिनेश चंद्र यादव ने कहा है कि तेजस्वी यादव का बस चले तो वो अमेरिका, फ्रांस और जापान के मंत्री से भी इस्तीफे की मांग कर लें। कोरोना की वजह से मिनी सूरत में छाया सन्नाटा। कोरोना का असर साफ तौर पर बाजारों में भी देखने को मिल रहा है। बिहार के सोहसराय की साड़ी मंडी की बात करें तो हर वक्त भारी संख्या में लोगों का तांता यहां लगा रहता था। आज ये बाजार सुनसान पड़ा है, जिससे अब व्यापारियों पर भी बुरा प्रभाव देखने को मिल रहा है। खबरों की माने तो इन बाजारों में 40% बिक्री कम हो गई है। पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पुष्पम प्रिया पर कसा तंज। अपने आप को मुख्यमंत्री की दावेदार बताने वाली पुष्पम प्रिया आए दिन बिहार की राजनीति में चर्चा का पात्र बनी रहती हैं। इसी क्रम में एक बार फिर से बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रह चुके नरेंद्र सिंह तोमर ने जमुई के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पुष्पम प्रिया पर टिप्पणी की है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि बिना धूप में चले सिर्फ कंप्यूटर की गणना से कोई राजनीतिक परिवर्तन नहीं कर सकता। यह न आज तक हुआ है और न आगे होगा। राजद नेता रघुवंश प्रसाद ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कसा तंज। राजद नेता रघुवंश प्रसाद ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कसा तंज। कोरोना के बढ़ते असर ने अब विपक्षी दलों को एक सुनहरा मौका दे दिया है सरकार पर टिप्पणी करने का। इसी क्रम में हाल ही में राजद नेता रघुवंश प्रसाद ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए यह कहा कि भगवान का शुक्र है कि बिहार में अब तक कोरोना के एक भी मामले की पुष्टि नहीं हुई है, वरना अब तक यहां की तैयारियां तो भगवान भरोसे ही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ करते दिखे तेजस्वी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव वैसे तो अक्सर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नीतियों पर सवाल उठाते रहते हैं, मगर इस बार उन्होंने उनकी तारीफ की है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा कोरोना को ध्यान में रखते हुए उठाए गए कदम सराहनीय है। वहीं उन्होंने भाजपा के मंत्रियों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात न मानने के लिए इस्तीफे देने की बात को दोहराया है। सुशील कुमार मोदी ने राजद पर की टिप्पणी। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने राजद पर टिप्पणी करते हुए यह कहा कि राजद को आज तक न आर्थिक रूप से कमजोर लोगों से मतलब था और न ही देश के लोकतंत्र से कोई वास्ता रहा है। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों का वास्ता देने वाली राजद ने आज तक उनके ही उत्थान के लिए कुछ नहीं किया और यही नाटक राजद लोकतंत्र के साथ भी करती आई है। कांग्रेस को राज्यसभा में एक भी सीट नहीं मिलने के बाद विधान परिषद से जागी उम्मीद। राज्यसभा चुनाव में तो महागठबंधन दल के राजद सरकार के वादे से मुकरने के बाद अब कांग्रेस पार्टी को विधान परिषद चुनाव से उम्मीद जागी है। आंकड़ों के मुताबिक राजद 3 और कांग्रेस 1 उम्मीदवार विधान परिषद में भेज सकती है, लेकिन कांग्रेस को मनाने के लिए राजद विधान परिषद में कांग्रेस और राजद के 2-2 उम्मीदवारों को भेज सकती है। अब चले बढ़ते मौसम के खबरों की ओर। मुजफ्फरपुर, खगड़िया, वैशाली, सिवान, रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, ईस्ट चंपारण, गोपालगंज, वेस्ट चंपारण, जहानाबाद, शिवहर में दिन भर धूप रहेगी। वहीं कहीं कहीं हवा के चलने की वजह से मौसम में ठंडक महसूस हो सकती है। इसके साथ ही अरवल, सारण, दरभंगा, गया, किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मुंगेर, पटना, पूर्णिया, बेगूसराय, भागलपुर, अररिया, बांका, शेखपुरा, सीतामढ़ी, जमुई, कटिहार, मधेपुरा, नालंदा, नवादा, सहरसा, समस्तीपुर, सुपौल, कैमूर में धूप निकलने की संभावनाएं हैं, तो वहीं कुछ जगहों पर बादल छाने के भी आसार हैं। बीसीसीआई के भी हेडक्वार्टर पर लगा ताला। देश भर में कोरोना के बढ़ते असर को रोकने के लिए सरकार अपनी तरफ से कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। इसी क्रम में अब बीसीसीआई ने भी कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए अपने हेडक्वार्टर को कुछ समय के लिए बंद रखने का आदेश जारी किया है। साथ ही सभी कर्मियों को घर से काम करने की सलाह दी है। बीसीसीआई के उच्च कर्मचारी ने बीते मंगलवार को नोटिस भेजकर सभी अधिकारियों को यह जानकारी दी है। अब WhatsApp पर खुद ही डिलीट हो जाएगा मैसेज। इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप WhatsApp में जल्द ही एक नया फीचर रोल होने जा रहा है, जिससे कि अब WhatsApp से ऑटोमेटिकली मैसेजेस डिलीट हो जाएंगे, जिसके तहत डिसअपियरिंग मैसेज का फीचर रोल किया जाएगा, जिसको अभी फिलहाल एंड्रॉइड बीटा वर्जन में रोल किया जा रहा है। जल्द ही यह फीचर सभी फोन में रोल कर दिया जाएगा। वरुण धवन को देख फोटोग्राफर्स ने चिल्लाना शुरू किया, गो कोरोना गो।
कोरोना की वजह से क्रिकेट से लेकर बॉलीवुड भी अब सजग हो गया है। वहीं फिल्मी सितारों ने भी कुछ समय के लिए रिकॉर्डिंग से संबंधित कामों को बंद करने का फैसला किया है। कोरोना के असर का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि हाल ही में वरुण धवन को देखते ही वहां मौजूद कुछ फोटोग्राफर्स ने गो कोरोना गो चिल्लाना शुरू कर दिया था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर्स ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर्स का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनमें है विकी कुमार, सौरभ कुमार, रवि यादव, शिव शंकर, धीरज कुमार, मोहम्मद ताहिर, पप्पू कुमार, पुरुषोत्तम कुमार, राजा राय, इंतजार आलम, अमित भगत, मंतोष कुमार, विपिन कुमार, विनोद कुमार यादव, उमेश यादव। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार में आने वाले समय में पुष्पम प्रिया, प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव, कन्हैया कुमार, चिराग पासवान में कौन सा युवा नेता बिहार की राजनीति को संभालने का सबसे ज्यादा क्षमता रखते हैं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।